स्ट्रेस फ्री रहती है तो वो अपना कलर लाइट कर लेती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने जो हमारा 1.5 फीट का टैंक है जिसमें हमने पोलर पैरेट रखा था, उसके लिए आज हम और दो मछली लाने वाले हैं। और उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें से मेल और फीमेल कौन सी है। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये मैंने मेल और फीमेल ही लाया था। देख सकते हैं ये इसके अंदर घूम रही है, कुछ दिख रहा है कि नहीं ये देख सकते हैं। पोलर जो पैरेट है हमारी, वो इसके अंदर अच्छी तरीके से जा रही है, अच्छी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन मैं ये खुशी को डबल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ब्रीडिंग कराना चाहता हूँ। और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि वो मेल फीमेल मैं लाया था, लेकिन वो मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें दो पोलर पैरेट और ला लूँ। उससे क्या होगा कि जो हमारा चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा मेल फीमेल का, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर एक फीमेल घूम रही है और एक यहाँ पे बैठी है। ये मेल है कि फीमेल है पता नहीं है मुझे, तो देख सकते हैं ये बैठी है। और मैंने इसमें हीटर भी लगा दिया है, वो देखिए बहुत सुंदर तरीके से हीटर लगा दिया है। और मछली बहुत अच्छी तरीके से खुश है। तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि इसमें ले आते हैं अपन एक दूसरा पेयर और फिर करते हैं मज़ेदार बातें। तो चलिए मैं लेके आता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि वो कौन सी है कैसी है। और मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं वाइट कलर की लाऊंगा पोलर पैरेट, क्योंकि हमारे पास ब्लू ब्लैक बहुत हो चुकी है। तो एक वाइट ले आऊँगा और एक ब्लू ब्लैक। तो चलिए जल्दी से मैं लेके आता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ मैं आगे। ये देख सकते हैं हमने ले आया है पैरोट, पोलर पैरेट। और मैं शॉप की वीडियो तो वैसे बनाता नहीं हूँ, ऐसा आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो ये देखिए ये है पोलर पैरेट और कौन कौन सी देख सकते हैं। अरे 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 भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। और ये दोनों कलर का वाइट कैसे दिख रहा है भाई? मैंने एक वाइट लाया है और दूसरा वाला जो सेम ये कलर का है वही लाया था। और देख सकते हैं इसका भी कलर उड़ चुका है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रेस में आ जाती है और ये थोड़ी सी अपना कलर चेंज करने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे ऑस्कर्स भी अपना कलर चेंज कर लेती है जब वो स्ट्रेस फ्री रहती है, तो वो अपना कलर लाइट कर लेती है और ऐसे ऐसे करके वो अपना कलर चेंज कर सकती है। तो जल्दी से मैं इसे एक्लिमेटाइज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसे डाल के, और फिर पता चल जाएगा कि इसमें मेल फीमेल कौन है। अगर ये पेयर बना लिए तो मुझे सब पता चल जाएगा, फिर अपन आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि उसमें क्या अंतर है क्या अंतर है, सब पता चल जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं एक्लिमेटाइजिंग। टिंग 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 टिंग, यहाँ पे छोड़ते हैं इसे, हम अच्छे से छोड़ेंगे 15 मिनट तक। और यहाँ से आपको दिखेगा इसका अच्छा लुक। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इन लोग, देख सकते हैं इतना ज़्यादा हिल रहे हैं। इतना तो मेरी पुरानी वाली नहीं हिल रहे थे जितना इन लोग हिल रहे हैं। बाप रे बाप, और इनकी पॉटी तो रेड कलर की हो रही है, लगता है इनको कोई फीडिंग कुछ और ही दे रहे थे इन लोग शॉप वाले। और ये देखिए हीटर, तो देखिए यहाँ छुप के बैठी हुई एक पोलर पैरेट, बहुत ज़्यादा छुपी हुई है। तो चलिए छोड़ते हैं और फिर रिलीज करेंगे इसे। तो चलिए इसे अब खोलते हैं, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं और इस बार मैं पूरा का पूरा रुका था 15 मिनट, और रबर तो मैंने खोल लिया था। और इसे निकालते हैं बाहर, क्योंकि अभी पानी का टेम्परेचर यहाँ पे हो चुका है वो बराबर, और वैसे तो आज ठंडी बहुत कम है तो मुझे लगता है सेम ही टेम्परेचर होने वाला है। ये छड़ी, और छड़ी को अंदर डालेंगे। अरे भाई भाई भाई, गिर जाएगा। रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सुंदर दिख रही है वाइट वाली, और बहुत ज़्यादा एक्टिव है वाइट तो मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए अब इसे स्कूप करते हैं। आ जाओ भाई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये देखिए अब आ चुकी है दोनों की दोनों, और इसे छोड़ते हैं पानी के अंदर। ये देखिए पोलर पैरेट, ये देखिए अब ये ज़्यादा क्यूट नहीं है जितना हमने पहली बार लाया था, वो जितना क्यूट थी। अरे निकल जा भाई, फंस गई है क्या, पता नहीं क्या चाहती है वो। आ जा आ जा आ जा, हाँ ये निकल चुकी है। और ये देखिए दोनों पोलर पैरेट हमारी नई वाली है, और इसका कलर देख सकते हैं डार्क हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए ये देखिए, डार्क तो होता है भाई कलर इनका, और कलर चेंज करने में तो ये माहिर होती है, सारी सिकलेट वैरायटी की फिश माहिर होती है। और इसको रखते हैं नीचे, नहीं तो ये गिर जाएगा हमारे ऊपर। ये देखिए पूरा पत्थर उत्थर सब फेंक के रखे हमने, क्योंकि ये हमारा रूम है, हमारा राज चलता है यहाँ पे।
तो वो देखिए, वो दो पोलर पैरेट वहाँ पे है और दो पोलर यहाँ पे है। अगर इनमें से कोई भी ब्रीड किया तो मैं उसे अलग कर दूंगा और फिर बेबी होंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बेबी को मैं फिर इसमें रखूँगा, वो जब बड़े होंगे तब, या फिर अगर उसकी मोम डैड नहीं खाएंगे तो वो तो इसी में रहने वाला है। तो एक बार बस पेयर बन जाए, मैं बस इसी का इंतज़ार कर रहा था कि वो पेयर बना ले अपना। और ये देखिए वाइट वाली तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है हमारी ब्लैक बैकग्राउंड में, और ये चारों के साथ खेलेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ा इन्हें थोड़ी देर छोड़ देता हूँ अकेला, नहीं तो ये स्ट्रेस में आ जाएंगी, और स्ट्रेस में आ जाएंगी तो फिर ये खाना भी नहीं खाएंगी। तो चलिए छोड़ते हैं थोड़ी देर और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब चारों एक साथ खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। भाई आप लोग देख सकते हैं ये तो आते साथ ही लड़ना चालू कर चुके हैं, देख सकते हैं लिप लॉकिंग कर रहे हैं। और क्या मैंने इस बार सही पेयर लाया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लिप लॉक कर रहे हैं। लिप लॉक का मतलब होता है ये ब्रीड करते हैं ऐसा, मैंने ऐसा अपने बहुत सारे फैमिली में देखा है, अपने फैमिली में तो नहीं मतलब फिशेस की फैमिली में देखा है, और सिकलेट फैमिली में तो ये होता ही है लिप लॉकिंग। ऑस्कर्स भी करती हैं, और हमारी जो पैरोट होती है, जो नॉर्मल पैरोट होती है, किंग कॉन्ग तो नहीं, जो हमारी नॉर्मल लोकल पैरोट है वो भी करती है, देख सकते हैं। और मुझे तो लगता है इस बार मैंने एकदम सही पेयर लाया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाइट वाली है मेल है या फीमेल है, मैं उसे फीमेल समझ के लाया हूँ, और क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है वो बताएं मुझे कमेंट करके। और जल्दी से देखते हैं कि ये खेलती हैं कि नहीं उनके साथ। और ये वाली तो मुझे फ़ीमेल लग रही, पता नहीं क्यों वो भी फीमेल लग रही, मुझे तो सभी फ़ीमेल लग रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कौन किसके साथ पेयर करता है तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि वो फ़ीमेल है या मेल है। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं इन लोग, ये देखिए कितना ज़्यादा एक्टिव है यार ये वाइट वाली, शायद वो मेल हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, जो अंडा देगा वो फीमेल हो जाएगा, अब तो मैं समझ जाऊँगा, इसलिए मैंने अब ज़्यादा ले आया है, और अब पता चल जाएगा कि कौन सी कैसी होने वाली है। और इनके पास तो यहाँ नहीं रही है, एक हमारी गधी अंदर घूम रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है वो। और यहाँ पे तो एक दूसरी बैठी हुई, बहुत देर से बैठी हुई है, मर वर तो नहीं गई भाई ये, नहीं नहीं मरी नहीं है। तो इनको ही देखते हैं थोड़ी देर, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कर रहे हैं इन लोग, और मेल जैसा फीचर बिहेवियर कुछ है भी नहीं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। ये देखिए फिर से लड़ना चालू, काश ये दोनों मेल फीमेल हो और ये ब्रीड करना चालू कर लें यार, मुझे बच्चे देखने हैं इनके, और उनसे भी उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे देखना है कि ये कैसे करते हैं अपने बच्चों का रखवाली, ये भी देखना है मुझे। तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ चारों के साथ। तो भाइयों देख सकते हैं ये अपने पुराने टैंकमेट के साथ मिल चुकी है, और ये देखिए उसको देखते ही ये पुरानी वाली भी कितना ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, और कितनी बड़ा साइज़ है उसका भी, ये देखिए बाहर निकल, और ये दोनों गमले में चले गए। अरे गमले बॉय, ये देखिए शायद ये लोग पेयर बना ले अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखने से इनको लगता होगा कि अब इन्हें पेयर बनाने का समय आ चुका है, क्या पता ऐसा हो भी सकता है। तो क्या पता मज़ा आएगा यार, मुझे तो काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा है इनका बिहेवियर, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। और मुझे तो वाइट वाला मेल लग रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा, और मैं यही सोच के भी लाया था, लेकिन अब क्या करें, देखते हैं आगे क्या होता है, मेल था क्या फीमेल है। लेकिन मुझे भी वो टैंक में जब एक्वेरियम शॉप में मैं गया था तो मुझे लग रहा था वो मेल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और ये अंदर पे देखिए लड़ रहे हैं लोग, ये भी लिप लॉक कर रहे हैं भाई, भाई ये क्या हो रहा है, कहीं मैंने सही चीज़ तो नहीं लाया, दोनों मेल फीमेल पेयर। और अगर ये सही हुआ तो मैं आपको ज़रूर आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि क्या क्या मैंने देख के लाया और कैसे कैसे लाया। ये देखिए सब घूम रहे हैं भाई बहुत सुंदर तरीके से, और ये दोनों भी अलग घूम रहे अपना, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के। एक बार हम और रुकेंगे थोड़ी देर और फिर पता चल जाए। और ये देखिए अंदर जाके लड़ रहे हैं इन लोग। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये फीचर अगर मेल फीमेल करते हैं अंडे देने से पहले तो मुझे बता सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अरे 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 ये देखिए लगता है ये डांस कर, अरे भाई इसके पास चला चुका है एक और खतरनाक वाला, लोग लड़ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई अंदर जाके। लेकिन ये वाइट वाला तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और खतरनाक भी है। तो कैसी लगी मेरे को आपको वीडियो बताएं कमेंट करके जरूर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, जब भी कोई अपडेट होगा अगर इनका पेयर बन जाएगा या एग देंगे इन लोग तो मैं आपको जरूर 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 बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, और टाटा बाय बाय।
किसी की लड़ने जा रही है यार ये तो।